अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ वीरू, बिल्कुल। देखिए, आज इंडेक्स के साइन तो ये मिल रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लैट ही शुरुआत हो और आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही फोकस करना पड़े, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली इंडेक्स में अगर कोई मूव आएगा तो उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडेक्स फ्लैट एकदम खुलने की तैयारी कर रहा है। चलिए, फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। एकदम फ्लैट निफ्टी 24,320 पर जहां बंद हुए, तो वहीं पर बैंक निफ्टी लेकिन उसके मुकाबले 180 पॉइंट नीचे खुला। हालांकि अब 200 पॉइंट नीचे हो गया बैंक निफ्टी। एक बार HDFC बैंक रखेंगे क्या? प्री ओपन में फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट आया होगा। हाँ, 0.5% नीचे खुला HDFC बैंक, इसकी वजह से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। निफ्टी IT लेकिन ये अभी भी मजबूत है कंपेरेटिवली, 0.25% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर। स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है, 2.5% की तेजी स्मॉल कैप में, और यहाँ पर फोकस करने से शायद आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। और एडवांस डिक्लाइन भी स्ट्रांग है क्योंकि स्मॉल कैप स्ट्रांग है इसके लिए। अब एक काम करते हैं, सेक्टोरल ब्रेथ लेकर आते हैं और देखते हैं कि सेक्टोरल ब्रेथ कैसी है। यहाँ पर बैंक्स वीक हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इसलिए वीक हैं क्योंकि BOB के नंबर्स क्लियरली ख़राब थे, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर विजिबल है। उसके अलावा CPSE स्ट्रांग है और बाकी इंडस्ट्रीज में FMCG स्ट्रांग है। ये एक पॉकेट है जो अच्छा कर रही है, ऑयल एंड गैस अच्छा कर रही है, और उसके अलावा ऑटोस और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी। चलिए, अब एक काम करते हैं, निफ्टी गेनर से शुरुआत करें या लूजर से शुरुआत करें? एक्चुअली फ्लैट है मार्केट, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए गेनर से शुरुआत कर देते हैं, ज़्यादातर ग्रीन है इसके लिए गेनर से शुरुआत होगी। टाटा मोटर्स 2% ऊपर, आज बिग स्टॉक्स में डिस्कस हुआ था टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ONGC। लीवर हमारे पैनल ने पिक भी किया था, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल, तो फार्मा यहाँ पर क्लियरली एक इस समय थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम है। फार्मा और FMCG ये क्लियरली बाइंग के मोमेंटम में। इसको रिफ्रेश करते हैं निफ्टी लूजर्स को। टाइटन 3.5% नीचे, फिर ICICI बैंक 1% नीचे, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स ये भी इस समय थोड़ा सा नीचे आपको काम करता हुआ दिखाई देंगे। चलिए एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर टाटा मोटर्स 0.25% नीचे, सबसे नीचे टाइटन। तो टाटा ग्रुप अपसाइड पे, टाटा ग्रुप डाउन साइड पे। उसके अलावा ICICI बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला। और ऊपर आपका ब्रिटानिया, ONGC, लीवर, सिप्ला, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर, तो कंजम्पशन और फार्मा यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स पर आएंगे। बजाज ऑटो, बंधन बैंक ज़्यादा नीचे नहीं खुला लेकिन 1.5% नीचे। टाटा मोटर्स यहाँ पर अच्छी खासी शुरुआत हुई, करीब करीब 1.5% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा ये वीक था, 3% नीचे खुला। और टाइटन ये भी वीक था क्वार्टरली अपडेट, 3% नीचे खुला। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं एक बार, ब्रिटानिया और ट्रेंड। ब्रिटानिया करीब करीब 0.5% ऊपर और ट्रेंड करीब करीब 1/4% ऊपर। क्वार्टरली अपडेट्स वाले शेयर्स देख लेते हैं एक बार, कुछ स्टॉक्स रह गए थे उनमें। टाइटन, टाटा स्टील तो डिस्कस हो गए। इंडसइंड बैंक फ्लैट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नेगेटिविटी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और प्लेट है InfoEdge के ठीक ठाक नंबर्स। मैरिको, आई थिंक स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग मैरिको है, क्लियरली 0.4% ऊपर। डाबर के नंबर अच्छे थे, नायका और यूनियन बैंक, ये कुल मिलाकर इस समय की अपडेट आपके लिए। ठीक है मार्केट, लेकिन अब आगे देखते हैं किस तरीके के मूव्स बैठेंगे। वीरू, FNO में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, FMCG ने कम्प्लीटली अगर आप देखें अपने आप को फ्रंट सीट पर अगर आप देखें प्लेस कर लिया है। मैरिको, डाबर और अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे हमने शुभ कबा को भी क्लोजिंग में पिक किए थे। और टाटा मोटर्स अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद लगभग 1% ऊपर। BEL डिफेंस स्पेस में 329.90 इज एट ऑल टाइम हाई। ये ट्रेड CNBC आवाज पे 309 पे पकड़ा गया था, वहाँ से 20 रुपये का मूव दे चुका है। उसके बाद आप देखिए आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान यूनिलीवर 2581, दैट मीन्स HUL जो है वो 20 जनवरी के बाद अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर। देखिए इंट्राडे में एक स्विंग हाई चार्ट दिखा रहा है करीब 2703 का, बट वो एक ट्रेडेबल प्राइस नहीं था, वहाँ पे कहीं बहुत ट्रेड नहीं हुआ था। तो टेक्निकली आई थिंक ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स CY24 हाइएस्ट क्लस्टर्स। इस बीच एक बार एक दो स्टॉक्स और लेके आइए। एक्साइड एक लीड देता हुआ 1% ऊपर, फिर एक स्विंग जनरेट कर रहा है 574.85 पे। और उसके बाद अगर आप देखें कुछ फार्मा के कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में एक स्ट्रेंथ है। इवन ग्लेनमार्क फार्मा 1351 पे शुक्रवार के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज एक बार फिर से अपनी ऑल टाइम ट्रेजेक्टरी पे। तो अनुज, कम्प्लीटली स्क्रीन पे बाजार ने अपने कुछ चुनिंदा डिफेंसिव, डिफेंस और डिफेंसिव
मतलब इसकी तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। बिल्कुल वीरू, देखिए बस एक